नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली की शिकायत को लेकर बिहार में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। छात्र जहानाबाद, समस्तीपुर समेत कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर उतर गए। आज सुबह 9 बजे से छात्र ट्रैक पर उतर कर नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन परिचालन बाधित हो गया। वहीं गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। हालात को काबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। एडीजी निर्मल कुमार आजाद के अनुसार रेलवे पुलिस आरपीएफ के साथ ही वहां जिला पुलिस की टीम मौजूद है। खुद गया के एसएसपी भी मौजूद हैं। हालात को काबू करने में लगे हैं। रेलवे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई है। इस पर काबू पाने के लिए रेलवे के अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही सभी रेल जिला पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि छात्र कभी भी कहीं भी रेलवे ट्रैक पर पहुंच जा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। वही 2022 के चुनाव में सभी पार्टियों में फेरबदल का माहौल जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने मंगलौर पहुंचकर काफी लंबे समय से बीजेपी में रहने वाले एक बड़े राजनीतिक घराने के सदस्य कलीम अंसारी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। आपको बता दें कि मंगलौर में स्वर्गीय अख्तर चेयरमैन का राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है और बीएसपी में रहने के बाद इस परिवार के बेटे कलीम अंसारी और उनके बेटे काफी लंबे समय से बीजेपी पार्टी के नेता रहे हैं। 2012 में कलीम अंसारी मंगलौर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। मंगलौर के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक जनाब अख्तर चेयरमैन साहब का परिवार रहा है और कलीम भाई हमारे बड़े भाई, उनके साहबजादे और उनके पोते चौधरी आमिर साहब अपने पूरे परिवार के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड, मंगलौर और आसपास जो बुरा हाल हुआ है, उसको जो विकास पटरी से उतरा है वो कांग्रेस ही ला सकती है तो माने जाते हैं। पर इससे पहले ये हमारे खंडूरी परिवार के एक सदस्य भी हैं हमारे लिए, तो क्योंकि मेरे पिताजी के साथी रहे हैं और बहुत लंबे समय से साथी रहे हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जैसे आज जो कांग्रेस में आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा छोटा भाई आमिर भी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और इससे ज़्यादा भी मुझे खुशी हुई है कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पे कि जो स्नेह और जो प्रेम मेरा पिताजी का था वो बीजेपी में थे, पर जो काजी गाजी निज़ामुद्दीन के लिए है वो मैं खुद ही जानता हूँ। खबर लखनऊ से है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा को एक दुल्हन के जैसे सजाया गया है। एक दुल्हन रूपी विधानसभा देखी जा सकती है। आज यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया और अपना संबोधन दिया। साथ ही कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के साथ साथ अन्य स्कूलों के बच्चों की तरफ से झांकियां निकाली गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां गणतंत्र दिवस की धूम आपको दिखाई दे सकती है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा को एक दुल्हन रूपी में सजाया गया है। एक दुल्हन रूपी विधानसभा देखी जा सकती है। हमारे यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधन दिया, साथ ही साथ ध्वजारोहण भी किया है। कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के साथ साथ अन्य स्कूलों द्वारा झांकी निकाली गई। आज़ादी को लेकर जो जोश इन मासूम बच्चों को देखा गया है वो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड इसके आगे मायने नहीं रखती। साथ ही साथ राजभवन में राजबहन आनंदीबेन पटेल ने भी ध्वजारोहण किया। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी मुकुल गोयल जी द्वारा झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही साथ डीएम ने कलेक्ट्रेट आवास में भी डीएम अभिषेक प्रकाश जी द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी ध्वजारोहण किया है। अगर हम बात कर सकते हैं चौक चौबन की, तो आप देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लोगों पर ड्रोन कैमरे के साथ साथ हर तरह से निगाह रखी जा रही है। कैमरे ज्ञानेश के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हिमांशु गर्ग, लखनऊ।
वहीं पौड़ी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम काफी सर्द हो चला है, जिससे लोगों को सर्द मौसम से बचने के लिए सुबह से ही अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पौड़ी में बुआखाल, कंडूलिया, टेका, अदवावाड़ी और नागदेव झंडी धारा आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू होते ही तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको पौड़ी से दिखा रहे हैं, जहां तापमान में गिरावट के बाद बर्फबारी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप किस कदर बर्फबारी हो चुकी है और पूरा इलाका जो है वो सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ सा दिखाई देता है। फरकाबाद के थाना क्षेत्र मऊ दरवाजा में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर आदर्श आचार संहिता को लागू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसके बावजूद राजनीतिक वॉल पेंटिंग नहीं हटवाई गई। महिला आंगनबाड़ी की दीवार पर राजनीतिक प्रचार लिखा हुआ है, लेकिन प्रशासन की आंखें अभी भी बंद हैं, जिसके चलते प्रशासन के आदर्श आचार संहिता पालन कराने के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको फरखाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी दीवारों पर वॉल पेंटिंग आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दीवारों पर इस तरह की चुनावी सामग्रियां देखने को मिल रही हैं। चमोली के अति दूरस्थ क्षेत्र और दूसरे शब्दों में कहें तो मानवीय आबादी का अंतिम गांव वाण की महिलाओं और उनके छोटे छोटे नौनिहालों के कोविड-19 के चलते आजकल स्कूल बंद है, तो ऐसे में लोगों के बच्चों को पिछले कोरोना काल के समय में गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इन दोनों ऐतिहासिक महत्व के अवसरों पर घर पर ही बैठना पड़ रहा है। इसे स्कूली बच्चों में मायूसी भी देखने को मिली। बच्चों की इसी मायूसी को दूर करने और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए वाण गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने गांव की सभी महिलाओं और उनके नौनिहालों को गणतंत्र दिवस पर चारों ओर भारी बर्फ के बावजूद एकत्र कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महिलाओं और बच्चों ने इस अवसर पर राष्ट्रगान गाकर भारत माता के जयकारे लगाए। तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी और कोरोना पर राष्ट्र प्रेम की तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने आई हैं। आपको बता दें कि बच्चों के नौनिहालों के स्कूल और जो चलते हैं वो स्कूल काफ़ी समय से बंद है, कोरोना के चलते स्कूल बंद हो रखे हैं। ऐसे में पिछले दफ़ा का चाहे तो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर आज गणतंत्र दिवस हो, ऐसे में स्कूल बंद होने के चलते बच्चों के बीच मायूसी देखी गई। इन अवसरों को वो मना नहीं पा रहे थे, जिसके बाद आज समाज सेविक ने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया और वहां पर झंडा फहराया गया, जिससे बच्चों के बीच राष्ट्र गान भी गाया गया और राष्ट्र के प्रति भावना को भी जगाने की कोशिश की गई है। छब्बीस जनवरी मना रहे हैं हम कोरोना लॉकडाउन के वजह से, और हम यहां पे सभी बच्चे इकट्ठा करके यहां 26 जनवरी मना रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन के वजह से हमने स्कूलों में कहीं 26 जनवरी हमारे बच्चों ने नहीं मनाया पाया, तो इसलिए हम यहां सभी बच्चे इकट्ठा करके यहां 26 जनवरी मना रहे हैं। अट्ठावन विधानसभा नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पूर्व उन्होंने नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। संजीव आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय गए और उन्होंने अनुमोदक व प्रस्तावक सतीश नैनवाल की मौजूदगी में नामांकन पत्र संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन को सौंपा। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने उनके फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनुपम कांवड़ डाल समेत दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गोपेश्वर पुलिस मैदान में चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं भी दी गई। साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र के पावन पर्व पर संविधान की शपथ दिलाई। लखनऊ में डीजीपी मुकुल गोयल ने यूपी पुलिस और सभी अफसर और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बीते साल में कोरोना महामारी काफी हावी रही, जिसे पुलिसकर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काफी अच्छे से निभाया।
साथ ही कहा कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क व साइबर थाने में महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है। यूपी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए तेजी से काम किया गया और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। वहीं रायबरेली जहरीली शराब कांड पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि शराब कांड में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, घटना दुखद है, इसकी हम जांच कराएंगे, साथ ही जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 7 चरणों में यूपी में विधानसभा चुनाव कराया जाना है, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। खबर औरैया जिले से है। यहां शहर कोतवाली अंतर्गत स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 73वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीएम और एसपी ने ध्वजारोहण करते हुए सलामी ली है। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा मीडिया कर्मी व अन्य तमाम लोग भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों और क्रांतिकारियों को नमन किया गया। साथ ही अपने क्षेत्र में कुशलता से कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। हमीरपुर के सदर विधानसभा 228 से समाजवादी पार्टी ने राम प्रकाश प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि सदर सीट से अभी भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वहीं राम प्रकाश प्रजापति के प्रत्याशी घोषित किए जाने पर उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। बता दें कि सदर सीट में लगभग 45,000 के आसपास प्रजापति समाज का वोटर है। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश वर्मा के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आचार संहिता की नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ पूर्व मंत्री जगबीर गुर्जर और मेरठ मेयर सुनीता वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी के साथ ही आचार संहिता के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जो कि आप तस्वीरों के जरिए सीधे देख सकते हैं। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने मीटिंग की, जिसको लेकर पूर्व मंत्री के साथ सैकड़ों समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा से छोटेलाल वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कानपुर के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर पूरे जोश और उत्साह के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने इसको मनाया है। मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर पुलिस बल के विभिन्न अंगों ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, महिला पुलिसकर्मी, आरआरएफ समेत तमाम सुरक्षा बलों ने गणतंत्र दिवस के आयोजन में शिरकत की। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा है कि गणतंत्र दिवस और इसके महत्व को लोगों को समझना चाहिए और चूंकि लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में सभी मतदाताओं को आगे आकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज इस शुभ अवसर पर जबकि पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम लोग कानपुर से सभी सम्मानित नागरिक जो कानपुर नगर के हैं और कानपुर मंडल के हैं और उत्तर प्रदेश के और देश के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहेंगे और ये भी उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो एक संवैधानिक दायित्व हम लोगों के ऊपर दिया गया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सामान्य व्यक्ति हो, उनको अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई है, तो उसको हम लोग भलीभांति निभाएं इस पर। और आप जैसे जानते हैं कि पिछले कई महीनों से पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये भी एक जो है महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है, जिसमें कि हम लोग आज 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। इन चीज़ों पे आज यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन हुआ। बलरामपुर में धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट भवन पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बलरामपुर के डीएम श्रुति ने सलामी ली। साथ ही इस मौके पर डीएम और एएसपी ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है।
तो तस्वीर आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीएम और एएसपी भी मौजूद रहे। तस्वीर आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ध्वजारोहण किया गया और धूमधाम के साथ आपको बता दें कि 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि बलरामपुर के कलेक्ट्रेट भवन, बलरामपुर के पुलिस लाइन में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम बलरामपुर श्रुति ने सलामी ली है। साथ ही इस मौके पर डीएम और एएसपी ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही लौटेंगे। बाजार शुक्ल विकास खंड के ग्राम प्रधान दारानगर इंद्रराज यादव की तरफ से 26 जनवरी की प्रदेशवासियों क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप तिवारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक जगदीशपुर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू यज्ञ सैनी जिला पंचायत सदस्य जगदीशपुर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेश व जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अनुराग मिश्रा, चिंटू पंडित, सभासद वार्ड संख्या 8, शाहगंज, जौनपुर। आप सभी प्रदेश व जनपद वासियों को नव वर्ष गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर जावेद अहमद, अमीना मेमोरियल अस्पताल, शाहगंज, जौनपुर। आप सभी जनपद वासियों को 26 जनवरी बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। निवेदक मोहम्मद अब्बास उर्फ बिस्मिल्ला बड़े बाबू, शाहगंज, पुरुष चिकित्सालय। दीपक कुमार गुप्ता, शांति गुप्ता कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड चिल्ला रोड जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कमलेश प्रजापति, सचिव ग्राम पंचायत तिंदवारा विकास खंड बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा की ओर से प्रदेशवासियों जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नंदू कुशवाहा, सचिव ग्राम पंचायत त्रिवेणी विकास खंड बड़ोखर खुद जनपद बांदा की ओर से प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। श्रीमती पूर्वा, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत त्रिवेणी विकास खंड बड़ोखर खुद जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई। पुष्पांजलि पाठक, सचिव ग्राम पंचायत लामा विकास खंड बड़ोखर को जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। पुष्पांजलि पाठक, सचिव ग्राम पंचायत पचनेही विकास खंड बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा की ओर से प्रदेशवासियों व जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। संतराम राजपूत, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा विकास खंड बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विनोद कुमार, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत लामा विकास खंड बड़ोखर खुद जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। श्रीमती आशा, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पचनेही विकास खंड बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा की ओर से सभी प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई। आप सभी प्रदेश व जनपद वासियों को नव वर्ष व 26 जनवरी व बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रेमचंद गौतम, वार्ड संख्या 2, सभासद शाहगंज, जौनपुर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन पर छानबीन की। ये चेकिंग अभियान आगरा कैंट स्टेशन के अलावा भी अन्य स्टेशनों पर चलाया गया। इसी के साथ स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। बसपा से रुद्रपुर विधानसभा से अंकित प्रताप तिवारी के उम्मीदवार घोषित होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। वहीं रुद्रपुर के काशीपुरम में स्थित बसपा के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रताप तिवारी अंकित का जोरदार स्वागत किया। अंकित प्रताप तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने रुद्रपुर विधानसभा से मुझे उम्मीदवार घोषित किया है, मैं उनके भरोसे को खाली नहीं जाने दूंगा।
कार्यकर्ताओं की इस उत्साह को देखते हुए और जो भी हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर के हैं, विधानसभा स्तर के हैं, बूथ स्तर के हैं, सबके उत्साह को देखते हुए अब तो और भरोसा बढ़ गया है कि विधानसभा के चुनाव 2022 का इस बार का जो रुद्रपुर विधानसभा की सीट है वो हम लोग जरूर जीतेंगे। और एक सीट का योगदान अपने माननीय बहन जी को CM बनाने के लिए हम लोग रुद्रपुर विधानसभा का सीट जरूर जीत के देंगे। फतेहपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने सभी जिलेवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। मौके पर उन्होंने कहा कि भयमुक्त होकर मतदान करने की सभी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, इसलिए बिना किसी डर के निर्भीक होकर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस तारीख को नेशनल वोटर्स डे के दिन 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए, सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि 25 जनवरी के दिन नेशनल वोटर्स डे के दिन मैं जितने भी वोटर्स हैं, सभी जितने भी निवासी हैं जनपद के, सभी को मैं सर्वप्रथम इस दिवस की शुभकामना देती हूँ। हम सभी ने संकल्प लिया है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग के लिए, इसको इस लोकतंत्र के पर्व में आत्मसमर्पित होते हुए किस प्रकार से हम लोगों को अपना इस समाज में जो योगदान दिया जाना है। और आज जो 3 स्वीप के कार्यक्रम, वैसे स्वीप का कार्यक्रम लगातार चलता रहा है, बढ़ते हुए और बदलते परिवेश कोरोना संक्रमण के कारण ज़्यादातर जो प्रतियोगिताएं थी, ज़्यादातर अभी कहना चाहूँगी ऑलमोस्ट सारे ही प्रतियोगिताएं डिजिटल रूप से की गई थी। YouTube चैनल स्वीप फतेहपुर के नाम से और DM फतेहपुर के पेज और स्वीप फतेहपुर के पेज पर है। खबर गया से है। बहुजन समाज पार्टी के मथुरा विधानसभा से SK शर्मा का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान SK शर्मा ने कहा कि श्रीकांत शर्मा ने मथुरा की जनता को लूटने का काम किया, किसानों पर 60,000 FIR दर्ज करा दी गई। मैंने भी BJP में 40 साल काम किया है, पर BJP ने मुझे मांड विधानसभा से टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने मथुरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया। मुझे पूरी उम्मीद है मथुरा विधानसभा की जनता मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। ये तो जनता बताएगी कौन जीतेगा जी। जो कहते हैं ना कि जो बबूल का पेड़ लगाएगा वो आम कहाँ से खाएगा जी। जैसे कर्म करें, यहाँ जनता के साथ अपमान किया है, कोई काम नहीं किया है। काम तो किए हैं, तो कैसे काम किए हैं, कम से कम 60,000 FIR जनता के खिलाफ। उतना ही नहीं, बिजली के छापे लगवाना, स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो गौरव धंधा चलाया, भ्रष्टाचार फैलाया है, उसका जवाब 10 तारीख को जनता दे दी, 10 तारीख को। अच्छा ये बताइए, जैसे कि बड़े लंबे समय आप BJP में रहे, बड़े लंबे सफर से आप BJP में रहे, और अचानक कैसा? आप लोग अच्छी तरह मालूम है, मैंने शुरू से ही अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लगी है। अच्छा क्या मुद्दे रहेंगे? अब जो मुद्दा रहेगा, जो जनता को सम्मान नहीं मिला है, सम्मान वापस कराना। मथुरा विधानसभा की हम बात करें, मथुरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मथुरा विधानसभा जो जनता को सम्मान नहीं मिला, जो पीड़ित जनता थी, जो परेशानी को लेके जाती थी, उनको धुतकारा जाता था 4-4 घंटा बिठा के, और जैसे मंदिर में लाइन लगती है लाइन की तरह, पेपर दो और भागो, और स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिसे भ्रष्टाचार हुआ है वो सब जानते हैं। जो जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। न तो बंदरों से निजात मिली, न यमुना मैया का शुद्धिकरण हुआ, न नौजवानों को रोजगार मिला, न कोई भी विकास का कार्य हुआ। मैं कहता रहा हूँ कोई काम नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जो जनता का अपमान किया है ना, उस अपमान का बदला 10 तारीख को जनता उनको सबक सिखाएगी, और यहाँ से दिल्ली वापस उनको पहुँचाएगी। मैं ये जानना चाहूँगा, ओपीएन पोल ये कह रहा 18 से 17 सीट आपकी आ रही है, तो सरकार कैसे बनाएंगे आप? हमारी सरकार बनेगी, बहन जी की सरकार बनेगी। आप देख नहीं रहे हो, लोग कहते थे मथुरा में बसपा कुछ है ही नहीं, सभी सीट जीत रहे हम, बहुजन समाज पार्टी सभी सीट हैं, सभी सीट हम लोग जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है। हम तो शुरू से समाज सेवी हैं, हमने जनता की सेवा की है और निष्पक्ष भाव से की है,
बिना किसी भेदभाव के की है, बिना किसी दलवाद के की है। इसलिए हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर दल का सपोर्ट, सहयोग, प्यार हमको मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, जनता हमको पूरा जिताएगी, वो विश्वास है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।